नमस्कार, आप सभी का मेरी अपनी रसोई में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बनाएंगे भंडारे वाली पेठे की सब्जी। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, धन्यवाद। तो आइए बनाते हैं भंडारे वाली पेठे की सब्जी। कद्दू की सब्जी के लिए हमने ये बिल्कुल पका हुआ कद्दू लिया है। ये इसका छिलका है, ये भी येलो है और अंदर से जो इसका पार्ट है वो भी येलो है, तो इससे सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है। तो सब्जी के लिए मैंने कढ़ाई गैस पे रख दी है और इस पे हम डालेंगे एक बड़ा चम्मच सरसों का तेल। तेल को अच्छे से गर्म होने देते हैं। सरसों का तेल है वो अच्छे से गर्म हो गया है। इसमें डालते एक बड़ा चम्मच मेथी दाना, हल्का सा इसको ब्राउन करेंगे। देखिए बहुत जल्दी हो जाता है ये। अब एक से दो मिर्च हरी कटी हुई और साथ ही में डालेंगे हम ये कद्दू जो मैंने पहले से काट के रखा है। ये मात्रा में 500 ग्राम है। अब इसको हम अच्छे से इस सरसों के तेल में कोट कर लेंगे एक से दो मिनट ऐसे ही चलाते हुए। कद्दू अच्छे से तेल में फ्राई हो गए हैं। अब हम इसमें डालते हैं मसाले। तो ये एक छोटी चम्मच हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च क्योंकि हमने हरी मिर्च डाली हुई है, नमक स्वाद अनुसार, थोड़ा सा सूखा धनिया एक छोटा चम्मच और ये एक कच्ची कैरी है जो मैंने इसका गुटके निकाल के काट लिया है। अब इसको डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। मसाले मेरे सब्जी में अच्छे से मिक्स कर दिए। अब हम डालते हैं ये एक चम्मच गुड़ है जो मैंने तोड़ लिया है और इसको थोड़ा सा मिक्स करके और इसमें मारते थोड़े से पानी के छींटे, क्योंकि कद्दू जो है वो बड़ी आसानी से और बहुत ही जल्दी गल जाता है, इसमें ज़्यादा पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने ये पानी के छींटे मार दिए और इसको ढक देते हैं। उसके बाद 5 से 6 मिनट हम पकने देंगे। देखिए पूरे 5 मिनट हो गए हैं सब्जी को और गुड़ हमारा अच्छे से मेल्ट हो गया है, पेठा है वो भी गलने लग गया है, लेकिन अभी सब्जी हमारी कच्ची है। इसको बस सब्जी को चला के दोबारा से ढक के पकाते हैं। पूरे 5 मिनट हो चुके हैं, देखते हैं सब्जी। देखो अभी सब्जी में गुड़ का पानी है, इसको थोड़ा सा सब्जी को चलाएंगे और एक चम्मच कसूरी मेथी हाथ से क्रश करके डालेंगे, आधा चम्मच गरम मसाला और अब सब्जी को हम 3 से 4 मिनट और पकने देते हैं। उसके बाद हम चम्मच से ऐसे ये पीस उतार के देखेंगे। ये देखिए सब्जी गल चुकी है, मिला देते हैं और 2 से 3 मिनट और ढक देते हैं। 3 मिनट हो चुके हैं। देखिए पेठा जो है वो गल गए हैं। देखिए ऐसे अब सब्जी को हम थोड़ा सा मैश करेंगे इसी चम्मच की सहायता से।
ये देखिए सब्जी को अच्छे से मैश कर लिया है। अब यहाँ हम तकरीबन 2 चम्मच पानी डालेंगे और 1 उबाल आने तक सब्जी को पकाएंगे। उसके बाद हमारी सब्जी बिल्कुल तैयार है, लेकिन वो हम ढक के पकाएंगे। सब्जी हमारी पूरी तरह से कुक हो चुकी है, इसको बनने में तकरीबन 12 से 13 मिनट लगे हैं। आइए इसे एक बाउल में निकाल देते हैं।